कितनी इसमें मोटर होने वाली है, तो ये कितनी देर में चार्ज हो जाती है, अगर किसी दूसरे स्टेज से डिलीवरी कराना चाहता है क्या डिलीवरी पॉसिबल है, प्राइसिंग कितना रहने वाला है। राइड एशिया मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में स्टार्ट हो गया, जहां पे हमारे को इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक और नए नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने के लिए मिलते हैं। तो आज मैं आया हूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एनके ई बाइक्स के स्टॉल पे। अब यहां पे ये जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे लग रही है, लाइक आप लोगों ने देखा यार, सुपर बाइक्स जो होती हैं, सुपर बाइक्स भी आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अवेलेबल है। और ये देख सकते हैं जिसका जो मॉडल है ये काफी लुक में बहुत अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि एक सुपर बाइक के लुक में बनाया गया है। तो मेरे साथ है कंपनी के एग्जीक्यूटिव, आज मेरे को ये बताएंगे। हाय भाई, नितिन, वेलकम टू द चैनल। मुझे प्लीज, ये काफी अट्रैक्टिव मेरे को ये इलेक्ट्रिक बाइक लग रही है, काफी एक सुपर बाइक की तरह लग रही है, इसके जो मस्कुलर लुक है मुझे काफी पसंद आ रहा है। तो इससे इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में मुझे बताएंगे कि क्या फीचर्स होने वाले हैं और कितनी इसमें मोटर होने वाली है। इसमें सर आपको 5 किलोवाट की मोटर आती है, ओके, 72 वोल्ट की बैटरी आती है, okay. उसमें 55 Ah का और 45 Ah का, ऐसे दोनों बैटरी आती है, ओके, okay, फाइन। तो ये कितनी देर में चार्ज हो जाती है? 3 से 4 घंटे फुल हो जाती है, ओके, okay, और इसकी टॉप स्पीड कितनी रहने वाली है? 90 प्लस रहेगी, 90 प्लस टॉप स्पीड रहेगी। अच्छा, मैं बात करूं, जैसे आपने बताया कि मोटर जो है इसकी 5 किलोवाट की है मोटर जो है, और ये BLDC मोटर है, BLDC मोटर है। और अगर बात करूं इसकी रेंज की, तो इसकी कितनी रेंज होने वाली है? जो 45 Ah की बैटरी है, ओके, वो चलती है 100 to 120 किलोमीटर, ओके, और जो 50 Ah की बैटरी वो चलती है 140 to 150 किलोमीटर, ओके, फाइन, वन चार्ज। और इसका प्राइस कितना रहने वाला है? सर इसका प्राइस आपके सिटी ऊपर डिपेंड करता है, आप कहाँ से लेते हो, ओके, महाराष्ट्र में RTO अलग है, इधर RTO अलग है, ओके, तो अभी अगर मैं बात करूँ, अगर कोई दिल्ली से या किसी दूसरे स्टेट से, मीन्स महाराष्ट्र से नहीं मंगाना चाहता, अगर किसी दूसरे स्टेट से डिलीवरी कराना चाहता, क्या डिलीवरी पॉसिबल है? सर हमारे आउटलेट है जगह जगह पे, आप राजस्थान में है, यूपी में है, एमपी में है, ओके, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, ऑल ओवर जगह है, ओके, इधर गुड़गांव में भी है, तो इसका प्राइसिंग कितना रहने वाला है? सर प्राइस रहेगा 1.5 लाख से 1.7 लाख के बीच में, ओके, 1.5 लाख से 1.7 लाख के। और अगर किसी को, मतलब जहाँ पे आपका आउटलेट नहीं है वहाँ डिलीवर्ड कराना हो, तो क्या वो डिलीवरी पॉसिबल है? और इसकी जो वारंटी वगैरह जो है वो कितनी होने वाली है? इसमें सर 3 साल का आपको वारंटी आएगा, बैटरी में, मोटर में, ओके, चार्जर में 1 साल का आएगा और कंट्रोलर में 1 साल का आएगा, कंट्रोलर में 1 साल आएगा, चार्जर में 1 साल आएगा, और बैटरी और इसकी जो मोटर की वारंटी है वो 3 साल की आएगी। और आपने प्राइस बताया इसका 1.5 लाख से 1.7 लाख के आसपास होगा, ओके, पैन इंडिया डिलीवरी इसकी अवेलेबल हो जाएगी। तो गाइज आप ये देख सकते हैं, ये जो बाइक है इसमें काफी ज्यादा मस्कुलर लुक की बाइक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, ये एक सुपर बाइक की तरह आपको बाइक जो है वो यहाँ दी जा रही है। अब अगर आपको इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं इनकी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस कंपनी के बारे में और इस इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।